मदर सेड आई वांट सम टॉवेल्स फॉर द किचन. सो मदर सेड आई वांट सम टॉवेल्स फॉर द किचन. मतलब मम्मी, आपका मम्मी बोले कि मुझे कुछ टॉवल चाहिए. तो हम अगर किसी को बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? मेरे मम्मी बोले उनको कुछ टॉवल चाहिए किचन के लिए. उनको ऐसे बोल जा रहा है कि वो आपका स्पीच का जो स्पीच है वो चेंज हो गया. तो इधर क्या बोला? तो चेंज होता है मदर मदर सेड. ये कमा ये सब उड़ जाएगा, दैट उड़ जाएगा. मदर सेड दैट शी वांट सम टॉवल फॉर किचन. Mother said that she wanted. देखो इधर I के जगह pronoun चेंज होके she हो गया, I pronoun चेंज होके she हो गया, और want जो present tense में था वो चेंज होके past tense में हो गया. So this is direct speech, this is indirect speech. Direct speech क्या होता है? Exact word हम directly speech करते हैं, directly बोलते हैं, उसको direct speech बोलते हैं. पर indirect speech में क्या होता है? वो स्पीकर क्या कर रहा है, स्पीकर के बात को बोला जाता है. स्पीकर यहाँ क्या बोला है वो बोला जाता है इनडायरेक्ट.
डेफिनेट स्पीच में. यस देन कैसे चेंज होता है, कौन कौन से जगह में ये सब चेंजेस होता है वो बताओ. I have completed my work. I have a
sad the weather is windy but we can go. तो इधर क्या होगा? She said that the weather was windy but we could go. Can could में change होगा. Direct speech में अगर may है, indirect speech में might. Direct speech में अगर sad है, indirect speech में should. Direct speech में अगर weak है, indirect speech में would. और direct speech में अगर can है, indirect speech में could. ऐसे होके modal verb change होता है. क्या change होता है? ये सब क्या है? Modal verb है. ये सब क्या है? Modal verbs है. Modal verbs indirect speech में change होके उसका past form लेगा. Yes. And बहुत सारा और है जो कि change होता है. देखो जैसे कि one second. Position और time में change होता है. नाउ है तो उधर होगा देन. अगर इधर एगो है तो उधर होगा वी फोर. देन इधर अगर टुडे है तो उधर क्या होगा? टुमारो नहीं होगी, क्या होगा? दैट डे होगा. क्या होगा? दैट डे. देन टू नाइट दैट नाइट. टू नाइट दैट नाइट. Yes, then tomorrow. Tomorrow में क्या changes होगा? T O M O R R O. Tomorrow में क्या होगा? The next day. हमेशा हम अगले दिन को tomorrow बोलते हैं, next day को tomorrow बोलते हैं. और yesterday में क्या होगा? The previous day, पहला दिन. और the day before. Yes, yesterday में देखो क्या होगा. The day before. Yes, ऐसे करके time में change होता है. जैसे कि position में क्या होता है? Direct speech में अगर here है, indirect में there होगा. Direct में अगर this है, indirect में that होगा. Direct में अगर this है, indirect में those होगा. Yes, पर time में क्या होता है? Direct speech में अगर now है, indirect में there होगा. एगो है तो बिफोर होगा. डायरेक्ट में अगर टुडे है तो दैट डे होगा. डायरेक्ट में अगर टुनाइट है दैट नाइट होगा. इनडायरेक्ट में डायरेक्ट में अगर टुमारो है इनडायरेक्ट में द नेक्स्ट डे होगा. और डायरेक्ट में अगर यस्टरडे है तो इनडायरेक्ट में द डे बिफोर होगा. क्या होगा? द डे बिफोर. तो ये हो गया आपका टाइम एंड पोजिशन में चेंजेस. सो चेंजेस इन टाइम एंड पोजिशन. Then we come to the interrogative sentence. Interrogative sentence में क्या लगता है, क्या कुछ changes होता है, हम देखते हैं. Next, interrogative changing in interrogative sentence.
चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर जहां सेड और जो रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग भाग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, हमेशा रिपोर्टिंग भाग इनडायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग भाग हमेशा क्या होता है, आक्स होता है और एक क्या होता है, और आप और एक एंक्वायर, एंक्वायर से एंक्वायर्ड। ये क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव में चेंज होता है। जैसे से है तो ये होगा, अगर सैड है तो भी ये सब होगा, ठीक है, सेट होने से भी एक्वायर्ड हो सकता। देन चेंजिंग इनटू, सो देखो इधर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चेंजेस जानते हैं, देन हमको क्या सीखना है चेंजेस इन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, देखो ध्यान से क्या खोले, देखो और इसको कॉपी पे भी नोट करो क्या क्या चेंजेस हो रहा है, मैं मेन पॉइंट में लिखा रही हूँ। सो चेंजेस इनटू इंपेरेटिव सेंटेंस और चेंजिंग इन इंपेरेटिव सेंटेंस। सो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है पहले भी बताओ मुझे, जो सेंटेंस ऑर्डर देता है, एडवाइस देता है, रिक्वेस्ट देता है, उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, ये होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हम क्या करेंगे, जहां ऑर्डर है उधर क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, जहां ऑर्डर है हम उधर क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, टोल्ड लिख सकते हैं, देन ऑर्डर, देन आक्स, then commanded, yes, हम ये सब लिख सकते हैं जहां पे कि ऑर्डर रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस में। और जो सेंटेंस में, जो इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट रहता है, जो इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट रहता है, हम उधर क्या करते हैं, प्लीडेड, क्या लगाएंगे, प्लीडेड, देन रिक्वेस्टेड, देन बेग्ड, देन इनवाइटेड, ये सब लगाएंगे कहां पे, जो इंपेरेटिव सेंटेंस में, जो इंपेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट को रिफर करता है, उधर हम रिपोर्टिंग वर्ब ये सब लगाएंगे। ये सब क्या है, आप क्या समझ रहे हो, ये सब को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, जो कहाँ लगता है, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में लगता है। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ लगता है, रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में लगता है। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ लगता है, रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में लगता है। सो जो इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर को रिफर कर रहा है, तो वहां पे हम टोल्ड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, वर्ड एंड कमांडेड लगा सकते हैं। जो इंपेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट दे रहा है, तो वहां पे हम प्लीडेड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड एंड इनवाइटेड लगा सकते हैं। एंड जो इंपेरेटिव सेंटेंस हमको कुछ एडवाइस दे रहा है, तो उधर हम क्या लगा सकते हैं, वर्ड, रिमाइंडेड, एडवाइस एंड सजेस्टेड, यस, ये सब लगा सकते हैं। कहाँ पे, जो इंपेरेटिव सेंटेंस एडवाइस देता है, वहां पे हम वर्ड, रिमाइंडेड,
लगा सकते हैं। मतलब समझ में आया? अगर इधर क्वेश्चन में अगर इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन में अगर आपका सेम सैड ये सब है तो इसी को चेंज करके आप ऑर्डर अगर है तो ये सब, अगर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है तो ये सब, अगर एडवाइस वाला सेंटेंस है तो ये सब आप लगा सकते हो। समझ में आया? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने के टाइम ये सब लगाना है। कैसे लगाना है? अगर वो ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो ये सब लगाना है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है तो ये सब लगाना है, एडवाइस वाला सेंटेंस है तो ये सब लगाना है। समझ में आ गया? यस। देन लास्ट इज योर चेंजेस इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। They had won the trophy.
देन हाँ बस यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। कैसे हम बहुत सारा चेंजेस करते हैं इंटरनेट स्पीच में, चेंजेस इन प्रोनाउन, चेंजेस इन टेंस, चेंजेस इन मोरल, चेंजेस इन मोरल वार, और क्या चेंज करते हैं यूजिंग दैट, चेंजेस इन पंक्चुएशन मार्क, और क्या होता है चेंजेस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चेंजेस इन इंपेरेटिव सेंटेंस एंड चेंजेस इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम सभी चीज का चेंजेस हमको पता चल गया, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में जो रिपोर्टेड भार्ब और रिपोर्टिंग भार्ब चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है, और रिपोर्टिंग भार्ब के साथ साथ और क्या चेंज होता है वो भी हमें पता चल गया। जैसे कि रिपोर्टिंग भार्ब और भार्ब के साथ साथ और क्या चेंज होता है, प्रोनाउन भी चेंज होता है, तो ये हम जान गए। सो दिस चैप्टर इज आवर कंप्लीट चैप्टर नंबर 23। ये सब नोट्स को आप कॉपी में जरूर नोट करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।